मार्वल यूनिवर्स हेडक्वार्टर ऑफ आर्मर द हॉलो में, जहाँ पर मॉर्बियस अपने बदतर हालत में था और जोम्बी मॉर्बियस कह रहा था, ये तो सच है कि इन्फेक्टेड होने से पहले ही मैं मर चुका था, लेकिन हमारी यूनिक बॉडी केमिस्ट्री की वजह से हंगर ने मुझ पर अलग असर डाला, लेकिन आखिरकार वो हंगर ही रही और बेसिकली तुम और मैं एक ही है। वैम्पायर होने की वजह से मॉर्बियस हिल हो जाता है। उसे देखकर जॉम्बी मॉर्बियस कहता है, तुम अब कुछ अच्छे लग रहे हो और मुझे नहीं लगता तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ेगी फाइनल कैलकुलेशन में, वो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। नेक्रोसिस ने शायद मेरा ब्रेन सड़ा दिया है, लेकिन ये फेयर नहीं है कि किंगपिन और बाकी के लोग वहाँ पर मीट खाए और मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊँ और उनके लिए रिस्क लूँ। तभी डॉक्टर मॉर्बियस को कम्युनिकेटर पर कोई पुकारता है और कहता है, इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए आपकी राह देखी जा रही है और कैंप होमंड भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर है। तब जॉम्बी मॉर्बियस कहता है, हाँ मैं सो गया था लेकिन मैं अब आ रहा हूँ, और बाहर जाकर गार्ड उनसे पूछता है, ये कैट सर्डिंग जैसा लग रहा है, कैप और मास्क पहनना। तब जॉम्बी मॉर्बियस कहता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वायरस उन्हें टारगेट ना कर पाए इसलिए उन्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना सारे रजिस्टर्ड सुपर ह्यूमंस इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तब वो गार्ड कहता है, आपका कहना होगा इनोक्युलेटेड राइट? तब जॉम्बी मॉर्बियस कहता है, हाँ इनोक्युलेटेड, मैंने वही तो कहा। जॉम्बी यूनिवर्स 0.22 आवर्स टू एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर जोकास्टा इंतजार कर रही थी डेटल स्काई का, और वास्प उससे कहती है, कोई नहीं आने वाला जोकास्टा, ना आर्मर ना एरॉन, क्योंकि कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता, जब तुम उनके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दोगी वो तुम्हें ले जाएंगे रीबिल्ड करने के लिए, तुम पागल हो या फिर तुम एक टूल हो। तब वो कहती है, चुप हो जाओ वास्प। तब वास्प आगे कहती है, तुम एक फेक रोबोट हो जैसे कि तुम डिज़ाइन की गई हो, तुम एक रियल गर्ल नहीं हो, वो ये जानते हैं और वो इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे मरने के लिए, तुम एक बदसूरत रोबोट हो। तब जोकास्टा कहती है, चुप हो जाओ। दूसरी तरफ किंगपिन ऑफ न्यूयॉर्क के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मशीन मैन लगभग सबको मार रहा था, जिस पर गुस्सा होकर एब्जॉर्बिंग मैन उसे मारने के लिए एक टूल उठाकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुम जिससे खिलवाड़ कर रहे हो वो हमारा खाना है, हमारा खाना, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मशीन मैन उस टूल को तोड़ देता है जिससे वो टूल जाकर किसी और जॉम्बी को लगता है। और एब्जॉर्बिंग मैन आगे कहता है, तुम इसलिए एडवांटेज इतना ले पा रहे हो क्योंकि तुम एक रोबोट हो, तो मैं तुम्हारा हर एक एडवांटेज एब्जॉर्ब कर लूँगा, और वो एब्जॉर्ब करने जाता है मशीन मैन को, लेकिन मशीन मैन वहाँ से हट जाता है और वो एक जॉम्बी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब मशीन मैन कहता है, तुमने मुझे मिस कर दिया और मेरे बजाय एक जॉम्बी को एब्जॉर्ब कर लिया, और उस पर गोलियाँ चलाते हुए कहता है, तो अब ये एक्शन तुम्हारे सर फटने से ही पूरा होगा, और कहता है, अगली बार ब्रेन एब्जॉर्ब करना। मशीन मैन अपनी टांगे स्ट्रेच करके लगभग हवा में था और वैसा ही एक गार्ड उसके सामने आता है, जिसे देखकर मशीन मैन कहता है, ओह माय गॉड, देखो तुम्हारी तरफ, किसी और दुनिया में या फिर एक बेहतर दुनिया में हम दोनों भाई देखते। तब वो गार्ड कहता है, रियली? तब अपने चेन सॉ चलाकर वो कहता है, नहीं तुम मुझे डिस्कस कर रहे हो। लेकिन नीचे से एक जॉम्बी मशीन मैन के टांगों पर वार करता है, जिससे मशीन मैन नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते वक्त भी वो अपना चेन सॉ उसके आर पार कर देता है और कहता है, मैंने चेन सॉ तब एडमिट किया था जब टेड क्लिच था, लेकिन मेरे पास हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट है क्लासिक्स के लिए। आगे मशीन मैन उन क्लोन ट्यूब को तोड़ने लगता है, जिस पर एक एनिमल आकर मशीन मैन का मुंह पकड़ लेता है, लेकिन मशीन मैन उससे भी मार देता है, और ये देखकर एक इन्यूमन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन में दरार पैदा कर देता है, और इस बीच उसका घुटना टूट जाता है। जानवर के साथ मशीन मैन नीचे गिर जाता है और उठकर उस जानवर को अपने से दूर करते हुए मशीन मैन कहता है, गॉड हेल्प मी, मेरे पास स्टमक नहीं है पर मेरे पास बार्प है। और वो आगे देखता है जॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिन्होंने एक स्पेल विंडो क्रिएट की थी, और उस विंडो में देखते हुए कहता है, क्या उस स्पेल विंडो में आर्मर है? तब वो देखता है आर्मर। देखा जाए तो हमारे लोगों को हमारे दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कार के ढेर के नीचे दफन मिले। वो अब दो ही स्पेल कास्ट कर सकते हैं, एक जो माना गिरा सकते हैं हेवन से जो कि हमारे खाने के बिल्कुल लायक नहीं है, और दूसरा एक विंडो कास्ट कर सकते हैं जो इंटरडाइमेंशनल क्रॉसरोड्स है हमारे वर्ल्ड के साथ, और इसी तरह से हमें तुम्हारी रियलिटी के आर्मर नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के बारे में पता चला जो कि हमारे जैसी थी, और इसी तरह हमें पता चला एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में और तुम्हारे सारे सुपर हीरोज के बारे में। तुम्हारे सारे सुपर हीरोज बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये गॉस्पेल स्प्रेड होकर रहेगा
और वो भी सुपर ह्यूमंस के बीच। और हम इसीलिए जिंदा है ताकि ये हंगर गॉस्पेल स्प्रेड कर सके। हमने हमारे काउंटर पार्ट भेजे तुम्हारे आर्मर में ये देखने के लिए कि वो अंदर घुसकर उस दूसरे वाले के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, और उन्होंने वैसा ही किया इससे पहले कि किसी को पता चलता कि वो दो है। फिर हमने एक खास आदमी भेजा जो तुम्हारे अथॉरिटीज को टेंशन में डाल सके। तुम्हारे वर्ल्ड में रिडिकुलस नंबर से सुपर ह्यूमंस की, लेकिन फिर भी ये हंगर गॉस्पेल स्प्रेड होकर रहेगा। तो हमारे पास एक इंश्योरेंस है, तुम्हारे सुपर पीपल फोर्स किए जाएंगे गॉस्पेल के साथ इनोक्यूलेट करने के लिए।